अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात कर लेते हैं गोल्डमैन की। जी हां, जयपुर लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं गोल्ड मेडलिस्ट ओम प्रकाश। जयपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर इनका भव्य स्वागत किया गया। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट ओम प्रकाश जयपुर पहुंचे और यहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया, फूल मालाओं से लाद दिया गया। एशियाड खेलों में नौकायन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, टीम स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। झुंझुनू के रहने वाले हैं ओम प्रकाश। न्यूज 18 से खास बातचीत में ओम प्रकाश ने कहा कि रोइंग में गोल्ड मेडल जीतना आसान नहीं था। एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले ओम प्रकाश आज अपने प्रदेश राजस्थान लौट आए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है और खेल प्रेमी यहां पर मौजूद है। साथ ही हम ओम प्रकाश से यहां पर जानते हैं आपका जिस तरह से स्वागत हुआ है और रोइंग में जिस तरह से आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, किस तरह की खुशी व्यक्त करेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आज मेरे को यहाँ पे आने का स्वागत किया है इसके लिए। और जो कि आज 2010 में गोल्ड मेडल आया था और 8 साल बाद आज गोल्ड मेडल आया फिर से, तो उसके लिए आपको खुशी का माहौल बनता है सर आज। अच्छा, एक बात ये देखने को मिली थी कि आप जिस खेल में आपने नाम रोशन किया है उस खेल के ज़्यादा संसाधन आप जहाँ झुंझुनू में रहते हैं वहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से मुश्किल था और इस खेल में किस तरह से आपने सफलता हासिल? सर, राजस्थान में यानी कि पानी की बहुत कमी है और इक्विपमेंट भी नहीं है जो कि सेना में भर्ती होने के बाद मिला है हमको। यह तो पहले मैं भी मना कर रहा था, फिर अपने बजरंग साहब ने और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। बहुत खुशी की बात है और अपने राजस्थान अपने प्रदेश के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज गोल्ड मेडल, दूसरा गोल्ड मेडल आया है। आज मैं कहना चाहूँगा कि नौकायन के अंदर राजस्थान के जितने आज कम से कम नेशनल टीम में 20 लड़के मैं मानता हूँ नेशनल टीम में चयन हो रखा है उनका, आने वाले टाइम में जैसे नया एक भोपाल सिंह है, अर्जुन जाट है, तो इनका चलो कुछ खामियां रह गई थी या उनको एक्सपीरियंस नहीं था उसके कारण वो रह गए, फोर्थ पोजीशन रह गए, लेकिन आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में अच्छा करेंगे वो। अब ओम प्रकाश की सफलता के बाद आप देखते हैं कि इस खेल को और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा? हाँ, मैं क्योंकि चेयरमैन साहब को फ़ोन किया था तो उनको बहुत खुशी हुई थी कि बोलता हम अच्छा बढ़ावा देंगे, लेकिन आप थोड़ा सब्र से काम कीजिए और हम जरूर एक दिन हौसला देंगे आपको। थैंक यू। तो ओम प्रकाश और उनके कोच बजरंगलाल ताकर से हमारी बातचीत हुई, जिनका यह कहना है कि आज वो एशियन गेम्स में सफल होकर के आए हैं, लौटे हैं और इसके साथ ही अब जो तमाम वो खेल प्रेमी हैं और जो नौकायन के प्रति जो अपनी रुचि रखते हैं उन खिलाड़ियों को जरूर यहां पर बूस्टअप मिलेगा और भी कई खिलाड़ी यहां पर तैयार हो सकेंगे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर।